तव कथामृतं तप्त जीवनं कविपीरीटितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण नित्य सिद्धों की बात बता रहे हैं। नरेन राखाल उस श्रेणी के हैं। होमा पक्षी का उदाहरण देते हैं। ये लोग कभी माया के जाल में फंसते नहीं हैं। सुखदेव जी हैं, जड़ भरत जी हैं, माया भी इन्हें दूर से नमस्कार करती है। इनका जन्म ही ऐसे ही होता है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इन चार तरह के जीवों में हम कहाँ ठहरते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि वेदांती लोग मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, ऐसा कहते हुए बहुत अहंकारी हो जाते हैं। इतने अहंकारी कि चित्त शुद्धि और साधना का महत्व पूरी तरह नकारते हैं। ऐसी बातें करते हैं कि हम तो शुद्ध आत्मा हैं, शुद्ध प्रकाश हैं, हमें साधना की कहाँ ज़रूरत, हम तो परमात्मा हैं, परमात्मा के साथ एक हैं। हम तो नित्य शुद्ध हैं, ऐसा कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मानने लग जाते हैं। अगर सचमुच में ऐसा है तो कोई गलती नहीं है। जिनमें प्रकाश तो है ही हम सब, पर जो कोश हैं, पंचकोश, जो आवरण हैं, जो मल है, जो विक्षेप है, अगर वो है तो बहुत चांस है कि हम खुद को भुलावे में रख रहे हैं। मन तैयार नहीं है पर मान रहे हैं अपने को ब्रह्मज्ञानी, कि माया को पूरी तरह नकार रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है साधक के लिए। ऐसा देखा जाता है कि ऐसे वेदांती कितनी घृणा रखते हैं दिलों में, कितना अहंकार, घमंड रखते हैं दिलों में। कैसे कोई कह सकता है ऐसी बातें? चित्त शुद्धि का महत्व कभी भी कम नहीं किया जा सकता। साधना का महत्व कभी भी कम नहीं आंका जा सकता।
अगर मन में रजोगुण का वेग है, काम है, क्रोध है, इरिटेशन होती है, बोर्डम होती है, भय आते हैं, इनसिक्योरिटी आती है, दुख आता है, कभी कभी घमंड आता है, मेरापन अभी जिंदा है, घर गृहस्थी छोड़े तो कहीं आश्रमों से जाके लग जाता है मेरापन, किसी ना किसी जगह से जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसी से लग जाएगा मेरापन, ये मेरी जगह है, विचारों से लग जाएगा कि मेरे विचार, कोई कैसे चुरा लेगा, कोई कैसे बता देगा जो मैंने बताया है, ये मेरे शिष्य हैं, तो कुछ ना कुछ तरीके से माया पकड़ ही लेती है। और ऐसा परिपक्व कोई नहीं है, जो होगा वो बोलेगा नहीं, वो परम विनयी होगा, अमानित्वम अदम्बित्वम होगा, चित्त शुद्धि। ये मुमुक्षुओं के लिए अति आवश्यक है। मुक्त होने पर, समाधि हो जाने पर एकत्व का अनुभव होगा, तब मन फिर वापस नहीं उठेगा, और उठेगा भी तो भक्ति के रूप में उठेगा, समर्पण के रूप में उठेगा। तब तक, जब तक समाधि की अवस्था नहीं हो जाती है, अनुभव नहीं हो जाता है, जब तक मनोनाश नहीं हो जाता है, तब तक साधना की बहुत जरूरत है। मनोलय होना और मनोनाश होना, इन दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। आप छोटा मोटा प्राणायाम करते हैं या कुछ कुंडलिनी योगा करते हैं, अलग अलग तरह के योग बना दिए गए हैं आजकल, कुछ चक्रों पर अपने हाथ रखते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति आपकी पीठ के पीछे खड़ा होकर कुछ हाथ ऊपर नीचे घुमा रहा है और आपको कह देता है कि आपकी तो समाधि हो गई है, आप तो रियलाइज्ड हो गए हैं, तो हम भी रियलाइज्ड हैं, आप भी रियलाइज्ड हैं। अब ये सोचना ही मत कि रियलाइजेशन करनी है, आपने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। ये इतनी बेतुकी बात है, इतनी बेवकूफी की बात है, कोई भी चला है आजकल, कुछ भी बोलते हैं। ये ऐसे है जैसे मान लो आपने तैरना सीखना है, आप किसी कोच के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं कि हमें तैरना सिखाइए, और जिसके पास जाते हैं उसको तैरना आता नहीं है, पर मन ही मन वो समझता है कि उसको आता है। और कैसा आता है कि 3 फुट पानी में बैठ जाओ, 3 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या खड़े हो जाओ और दीवार पकड़कर, या जो वहां पोल लगे होते हैं स्विमिंग पूल्स में, वो पकड़कर छप 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 कर दो हाथों से पैरों से। आप बैठे हुए हैं जमीन पे या खड़े हुए हैं, और आपको वो पानी में उतरता है, 2-3 फुट पानी में उतर कर छप छप करता है हाथों से पैरों से, आपको कहता है आप भी करो,
आप भी करते हैं, और आपको फिर कह दिया जाता है तैरना सीख लिया आपने, हो गया, रियलाइजेशन हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई, बस अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम सिद्ध हो। गुरु बेवकूफ, शिष्य बेवकूफ। तो खुद को नित्य सिद्ध मानना और चित्त शुद्धि को नकारना, ये एक बहुत बड़ा विघ्न है साधना में। बहुत ही विनय से भगवान से प्रार्थना करनी है, मन वश में नहीं है, भाग रहा है। अर्जुन हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, भगवान खुद उनके साथ हैं। अगर भगवान चाहें तो एक क्षण में मुक्ति दे सकते हैं, क्यों नहीं देते हैं अर्जुन को? क्यों चित्त शुद्धि की बातें करते हैं? क्यों संतोष, शम, दम, दया, करुणा की बातें करते हैं? क्यों अनिच्छा, निरपेक्षता की बातें करते हैं? सर्वारंभ परित्यागी कहते हैं, निस्संकल्प हो जा, ज्ञेय सनित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। न द्वेष करो, न आकांक्षा करो, दुख सुख नहीं। अगर ये सब हो रहे हैं तो अभी मन पर काम करो, मन को शांत करो। क्यों कह रहे हैं ये सब? सीधा ही सिर पे हाथ लगाकर मुक्ति क्यों नहीं दे दी? कुछ पीठ के पीछे हाथ घुमाकर अर्जुन को कह क्यों नहीं कह दिया कि बस हो गया तुम्हारा? क्योंकि अर्जुन उसके लिए तैयार ही नहीं है अभी। उसको कहा जाता है तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। निष्काम भाव से निस्वार्थ रहकर धर्म परायण होकर बहुत ही खुशी से यज्ञ भाव से पूजा भाव से कर्म कर, ऐसे करते 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 मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तभी ज्ञान टिकेगा। अगर मन के अंदर बहुत स्ट्रांग तमोगुणी रजोगुणी संस्कार भरे हैं तो ज्ञान टिक नहीं सकता है, भागता रहेगा मन ये, और ज्ञान भी एक सेकंड में उड़नछू हो जाएगा। कर्म संन्यास, कुछ नहीं करना है हमें, हम तो ब्रह्म हैं, ब्रह्म अकर्ता है। और जैसे ही कोई आके कुछ कड़वे शब्द बोलेगा सब भूल जाएंगे, अकर्तापन अभोक्तापन। खुद को भुलावे में न डालें, ज्ञान के साथ साथ विनय रहकर प्रार्थना, पूजा, समर्पण, भगवान को बार बार प्रणाम करना, सब जीवों में उन्हें ही देखने का प्रयत्न करना, न देख पाए तो फिर प्रार्थना करना, निष्काम होकर सेवा करना, और कामनाएं उठ जाएं तो फिर जाके प्रणाम करना कि फिर से मन उठ रहा है, मेरी सहायता करिए, मेरे चित्त को शुद्ध करिए। अभी तो हम सबका यही कर्म है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिंसियर मुमुक्षु तो हो जाएं। कम से कम जो बद्ध
मन है, बुद्धि है, जो बंधन है उनको पूरी तरह काटने की इच्छा तो उठने दें। उस इच्छा में भी कितने डावाडोल होते हैं हम। अभी है, अभी उड़ गई, अभी नहीं है, फिर पूरा दिन तक भूले रहते हैं, दिनों दिन निकल जाते हैं, भूले रहते हैं। इसे मुक्ति कहते हैं, इसे नित्य शुद्ध होना, नित्य मुक्त होना कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म और गाढ़ा ध्यान, ये चारों साथ में लेकर चलेंगे तो जो जो हर्डल्स आ सकती हैं किसी भी एक पथ पर, उनको हटाने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाएगी। भगवान हमें शक्ति दें कि हमारे मन में कभी भी अहंकार ना आए साधना का या किसी भी तरह का। हमारा चित्त अति शुद्ध हो, रजोगुण तमोगुण पूरी तरह समाप्त हो जाएं और सत्वगुण के सहारे हम शुद्धतम सत्व की, परमात्मा की प्राप्ति कर लें। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ह्योम तत्सत्।